नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रयागराज छेड़खानी का विरोध करने पर चचेरे भाई की हत्या, पुलिस पर लग रही है मिलीभगत का आरोप। दिन दहाड़े 16 वर्षीय छात्र की पीट पीट कर की गई हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के खीरी बाजार में एक हाई स्कूल के छात्र को अपने चचेरी बहन से छेड़खानी करने का विरोध करने पर कुछ मनचलों ने पीट पीट कर मार डाला। सूचना पर पहुंची खीरी पुलिस शव को तत्काल हटाते हुए प्रयागराज भेज दिया, जबकि खीरी थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। विरोध में ग्रामीणों ने खीरी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। वहां पर हजारों की संख्या में ग्रामीण पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, जिसमें मृतक के परिजन चौराहे पर रोते बिलखते रहे। वही साथ में स्कूल से आ रही चचेरी बहन रिया ने रोते बिलखते बताया कि उक्त मंचले ने हमसे छेड़खानी कर रहे थे, हाथ पकड़कर खींच रहे थे, जिसका विरोध मेरा भाई किया, जिससे गुस्सा आए मंचले ने हमारे भाई को पीट पीट कर मार डाला। थाना अध्यक्ष खीरी नवीन कुमार सिंह का कहना है कि उस समय सत्यम का सांस चल रहा था, मैं उसे इलाज के लिए अपने सरकारी वाहन से प्रयागराज भेज दिया हूँ। वहाँ पर डॉक्टर ने मृत घोषित करते हुए शव को पुलिस को सौंप दिया। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। रास्ते में कोई बदतमीजी हुई तो पकड़ के ही चाहिए नहीं। आधे हमारे यहाँ चर्चा लग गया, वहाँ टाइ को दिया ही। हमारे मैया दावे तुम्हारी डाली नहीं। हाँ चाचा, हाँ।